रायबरेली सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगन्नाथपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंगलवार की रात करीब 3 बजे 22 वर्षीय रमलेश कुमारी को दहेज की मांग में मोटरसाइकिल की मांग पूरी ना होने के कारण आग से जलाकर मार डाला गया। मृतका महिला के पिता ईश्वरदीन पाल ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अपनी लड़की कमलेश कुमारी का विवाह 11 मई 2015 ठाकुरदीन पाल के साथ किया था तथा शादी में दहेज सहित 4 लाख रुपये खर्च किए थे। दहेज में मोटरसाइकिल ना मिलने के कारण पति रमेश कुमार और परिवार आए दिन हमारी बेटी को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायत मेरी बेटी ने की थी, परंतु सभी लोग यह समझते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब बुधवार नागपंचमी के अवसर पर मैं अपनी बेटी को विदा कराने आया तो सभी लोग धमकी देने लगे कि मोटरसाइकिल लेकर आओ तभी लड़की को ले जाना, कि पति के परिवार ने जलाकर मार डाला तथा मेरी लड़की को कमरे में डाल दिया गया। हत्या के आरोपी पति, सास, ससुर, जेठ को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया है और घटना की उचित कार्रवाई की जा रही है। मामला यह है, गांव जगन्नाथपुर है जी। और रमलेश कुमारी लड़की का नाम है, जिसकी उम्र लड़की की 22 साल है। ये अपने पति रमेश पाल के घर पर रहती थी जी। घर में घरेलू विवाद की वजह से लड़की ने सुसाइड कर लिया है 3 साल से जी। उनके परिवारजन के लोग आए हैं लड़की के, परिवारजनों ने दहेज की मांग को लेकर तहरीर दी है, पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की। मैं समाज का जो सहीना क्या है उसको 10 बजे बुला रहे थे कि आओ अपने शादी को समझा दो। 4 बजे हमको खबर मिली, इसमें नंबर है। किसने दिया था? इसने। मम्मी नहीं बात की हमारी कि आप चले आओ? नहीं, मम्मी का फोन नहीं किया, किसी से बात ही नहीं हुई। मम्मी को बुलाओ, मम्मी बात की। हमारी बहन भी थी रिश्तेदारी, वो साक्षी आई थी कि ये एसीसी कर रही जिद्दी। कल जो है रात में जो आपने फोन है लड़की क्या फोन है 10 बजे संपर्क किया कि भैया आप शांति से आज पहले आए थे ना 6 महीना पहले? हाँ पहले आए थे। क्या बोल के गए थे? क्या बोल के गए यार बताओ। अरे लड़की क्या फोन हो, सीधा सीधा मैटर बताओ, लड़की क्या फोन हो? बहनोई। आपको सूचना किसने दी? इन्होंने दी। ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं दी? इन्होंने दी, इसमें नंबर भी है इनका। नहीं, इनका नंबर है, लेकिन लेडीज दिए थे कि ये स्वयं दिए थे? मम्मी को सारे बुला लो डायरेक्ट साहब, मम्मी ने इसको तुरंत चौधरी की ऐसा ऐसा बात हो रही है। सुन बहुत खुद बात की और ये बोले मम्मी वो जो लड़की आज खत्म हुई है वो हम बात तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं तो लड़की हमसे बात नहीं करती है, इनकी साली जो लगती है इनसे भी बात नहीं करती थी। फोन उठा के ये मेरी मम्मी से स्वयं बात किया कि मम्मी मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हमने बोला मम्मी बोल बात कर लो, तोड़ दिया है ना, तो बात क्या करेगी वो? जब फोन करें तब मार डाले। 10 बजे रात में फोन किया, हमने कहा मेरी बहन से बात कराओ, कहने लगे कि मोबाइल जितते इनके घर में। तुम केवल चले आओ। 10 बजे रात को क्यों किया था? ये करना।